इसके अंदर हमारा मेडिसिनल प्लांट कौन सा है? तुलसी, वाइल्ड प्लांट, कांग्रेस ग्रास है, ट्राइबल्स किस पर डिपेंड होते हैं वो? फॉरेस्ट पर। डोमेस्टिक प्लांट हमारा पपाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स। द नेशनल ट्री ऑफ आर कंट्री इज बनियन ट्री, हमारा नेशनल ट्री कौन सा है हमारी कंट्री का? वो है बनियन ट्री। द पीपल ट्री हैज हर्ट शेप लीव्स, जो पीपल ट्री है उसकी वजह से हर्ट शेप लीव्स होती है। करियांडर एंड मिंट आर डोमेस्टिक प्लांट्स, जो करियांडर और मिंट हमारी डोमेस्टिक प्लांट्स हैं जो हम घर में उगा सकते हैं। ट्राइबल्स लिविंग इन फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड ट्रीज, जो आदिवासी फॉरेस्ट जंगलों में रहते हैं वो प्लांट्स और ट्रीज को प्रोटेक्ट करके बचा के रखते हैं। डैंडेलियन इज अ कॉमन गार्डन वीड, इसमें हमें पिक्चर्स दे रखी हैं, फिर हमें प्लांट्स बताने हैं। ये हमारा तुलसी, ये है डैंडेलियन, ये है सनफ्लावर, ये है पीपल और ये है कोकोनट ट्री। प्लांट्स आर यूजफुल इन दी फॉलोइंग वेज, कोई तीन वेज लिखनी है जिसमें प्लांट्स हमारे को यूजफुल हैं। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलती है। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लांट्स से हमें फल फ्रूट भी मिलते हैं, सॉरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती हैं। सम प्लांट्स यूज्ड एज मेडिसिंस, और कुछ प्लांट्स से हम डायरेक्टली मेडिसिंस भी ले सकते हैं। आदिवासीज आर पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, आदिवासी वो लोग होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं। फॉर देयर फूड दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फिशिंग, और वो अपने खाने के लिए वो किस पर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर खेती बाड़ी और फिशिंग पर। नेम फोर नेबरहुड ट्रीज और प्लांट्स, कोई चार नेबरहुड ट्रीज या प्लांट्स जो तुम्हें इधर उधर दिखते हैं ट्रीज और प्लांट्स, वो बताने हैं। पपाया, गुआवा, मैंगो और कोकोनट, ये हमारे चार नेबरहुड ट्रीज और प्लांट्स हैं। वाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी ट्राइबल्स, जो जंगल है वो आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर दी ट्राइबल्स, जो फॉरेस्ट है वो आदिवासी ट्राइबल्स के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी सर्वाइव एंड डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फिशिंग एंड हंटिंग, क्योंकि वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी फिशिंग मछली पकड़ना और हंटिंग जानवरों को मारना वो उन पर डिपेंड करते हैं, उन्हीं से ही उनका खाना उनको मिलता है। फॉर देयर फूड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, और वो अपने जीने के लिए किस पर डिपेंडेंट है? हमारे फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट के ऊपर। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक प्लांट्स एंड वाइल्ड प्लांट्स विद एग्जाम्पल्स, डोमेस्टिक प्लांट्स और वाइल्ड प्लांट्स को हमें डिफरेंशिएट करना है, उसको हमें डिफरेंस बताना है और एग्जाम्पल्स के साथ। डोमेस्टिक प्लांट्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं जो हमने घरों में उगाते हैं, दैट वी ग्रो एट आर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक प्लांट्स, और वाइल्ड प्लांट्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं हमारे गार्डन्स में, लॉन्स में, उन्हें हम वाइल्ड प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा कांग्रेस हो गया, डेंडेलियन हो गया, और डोमेस्टिक में कोकोनट हो गया, बनाना बनियन हो गया, बनाना नहीं आया यहाँ पर। डोमेस्टिक प्लांट्स डू नॉट हार्म दी ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स, और जो डोमेस्टिक प्लांट्स हैं वो और प्लांट्स की जो ग्रोथ जो वो बढ़ रहे होते हैं उसको हानि नहीं पहुँचाता, लेकिन जो वाइल्ड प्लांट्स हैं वो और प्लांट जो उग रहे होते हैं उनकी ग्रोथ को, उनकी बढ़त को हानि पहुँचाता है। हु लुक आफ्टर द ट्री एंड प्लांट्स इन पब्लिक प्लेसेस, जो हमारे आस पास पब्लिक प्लेसेस होते हैं हमारी ट्रीज ओदर, हमारा पार्क्स हो गए, रोड साइड्स पर ट्रीज दिखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं, उनकी तरफ कौन ध्यान देता है? म्यूनिसिपल कोऑपरेशन, लुक आफ्टर द ट्री एंड प्लांट्स इन पब्लिक प्लेसेस। हु इज़ एन ऑर्चिडिस्ट, तो एक ऑर्चिडिस्ट कौन होता है? सम पीपल ग्रो फ्रूट्स ट्रीज इन प्राइवेटली ओन ऑर्चिड्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ दीज ट्रीज, दीज पीपल आर नोन एज ऑर्चिडिस्ट। तो कुछ लोग एक पर्टिकुलरली जगह पर अपनी उनकी अकेले की जगह होती है जिसके अंदर वो प्लांट्स और ट्रीज उगाते हैं और फिर उनका ध्यान रखते हैं, वो पीपल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्चिडिस्ट। व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होती हैं? दी अनवांटेड प्लांट सीड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद दी क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स, वीड्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं और वो सीड प्लांट्स और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स वगैरह जो हम खुद उगाते हैं उनके साइड में उग जाते हैं और ये हमें नहीं चाहिए होते बिल्कुल भी, क्योंकि ये हार्म करती है। आइडेंटिफाई दी प्लांट विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, आई एम ऑल्सो नोन एज ग्राउंड आईवी, मेरे को ग्राउंड आईवी भी बोला जाता है, तो मैं कौन हूँ? क्रीपिंग चार्ली। आई एम यूज टू ट्रीट कोल्ड रैशेज एंड कफ, मैं कोल्ड तुम्हारा जुकाम तुम्हारे रैशेज लाल लाल जो हो जाते हैं, अगर तुम्हें खांसी जुकाम है तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, तो मैं हूँ क्रीप जिंजर।